हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी। यहाँ पर आपके लिए ब्लू मून की ये लव रीडिंग लेकर आए हैं हम। यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है लव के लिए और आप आगे क्या करना चाहते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आए हैं आपकी एनर्जी और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। यस, यहाँ पर ना आप ऐसा रिलेशन चाहते हो, द एम्परर की एनर्जी आई है। यहाँ पर आप ऐसा रिलेशन चाहते हो, पास्ट में अपना ऐसे रिलेशन से आप निकले हो जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली रिलेशन था, थर्ड पार्टी थी, ओके। और आप वहाँ से निकलकर आपका यहाँ पर अपने न्यू स्टार्ट कर रहे हो आपके लव लाइफ के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बट राइट नाउ आप ना बहुत ही ज़्यादा न्यू लव के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे थोड़े से ना जैसे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं ले रहे हो यहाँ पर, ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो और उसके वजह से आप यहाँ पर है ना, जो आप न्यू लव चाहते हो, डेफिनेटली आप ऐसा प्यार चाहते हो जो कि एक अच्छा हो, जो उसके ग्रोथ हो और मींस लॉन्ग लाइफ हो, ओके। यहाँ पर ये आप सोच रहे हो और आप उस प्यार के लिए आप वेट कर रहे हो यहाँ पर। वाव, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपकी। यस, फोर ऑफ कप्स, आप ना वो द मून, आप ना ऐसे एनर्जी में बैठे हो कि आप ना यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यानी आप तो प्यार चाहते हो आपके लाइफ में टॉरस पीपल। आप बहुत यहाँ पर प्यार भी करना चाहते हो, बट यहाँ पर ना ऐसे एक्शन आपको एक्चुअली ऐसे एक्शन लेना है कि आपको ना सेल्फ लव करना है और आपको ना पास की एनर्जी लेट गो करना है। और आपके तरफ कुछ आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, उसको ना आपको रिसीव करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर है ना आपकी ऐसी एनर्जी आई है टॉरस पीपल की, आप ना थोड़े से रूट हो, जैसे कहते हैं ना कि यस, आपने जैसे खुद ही होकर अपना यहाँ पर जैसे रोक दी है वो एनर्जी कि आप अभी चाहते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ आए ना, और आए तो अच्छा आए, और उसकी वजह से ना आप थोड़े से ना हटके बाजू में जैसे खड़े हो। प्यार तो चाहते हो, डेफिनेटली प्यार चाहते हो आप लाइफ में, बट यहाँ पर थोड़े ईगोइस्ट जैसा आप बिहेव कर रहे हो। एक्चुअली आप नहीं हो वैसे, बट आप ना प्यार के मामले में यहाँ पर थोड़ा आप दूरी रहना पसंद कर रहे हो। यही यहाँ पर एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में, एक डिफिकल्टीज से बहुत निकले हो, तो आपका एक्शन यही लेना है कि आपको सेल्फ लव करना है और आपको देखना है कि आपके जीवन में कोई तो भी राइट पर्सन आ रहा है, उनके तरफ आपको ध्यान देना है। तो आपके जीवन में कौन आ रहा है हम जरूर देखेंगे, और उनकी क्या कंडीशन है, अब उनकी करंट सिचुएशन क्या है हम जरूर देखेंगे। या फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में वो भी पर्सन है, और एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो एक्शन लेने वाले पर्सन है, ओके। तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। वो पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज से निकले हैं, उनका भी कुछ तो भी पास कुछ स्टोरी थी, और वो पास स्टोरी को यहाँ पर अभी होल्ड करके रख रहे हैं। वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, बट वो एनर्जी उनको अभी भी तकलीफ दे रही है, और वो भी एकदम उनके एनर्जी में है। आप भी दम उनके एनर्जी में हैं, वो भी दम उनके एनर्जी में है। यहाँ पर आप डिवाइन को सरेंडर करने वाले हो, और यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है। ये सिचुएशन में आप दोनों भी एक ऐसी मोमेंट में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप दोनों भी ऐसा है कि यहाँ पर पास की एनर्जी होल्ड कर हो, ओके। जो आपके जीवन में आ रहे हैं या करंट सिचुएशन में होंगे, वो भी पर्सन यहाँ पर खुद को होल्ड कर मीन्स पास का जो भी उनका ब्रेकअप हुआ है, और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी मूव ऑन होना चाहते हो वो सिचुएशन से, बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप दोनों भी स्टक हो चुके हो, ओके। अब दोनों भी आगे जाना चाहते हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, यस, वो पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, वो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, बहुत ही एक फाइनेंशियल कंडीशन से भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और वो
वो खुद के ऊपर बिलीव करना जानते हैं और खुद का फ्रीडम वो जानने वाले पर्सन हैं जो भी आपके लाइफ में आएंगे या आने वाले हैं। यस, वो यहाँ पर अभी जल्दी ही एक्शन लेने वाले हैं। ओके, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने जो भी उनकी जीवन की जो भी बाकी पास्ट लाइफ है वो जल्दी ही रिकवर करके वो आगे फ्यूचर लव के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है उनकी। यस, वो पर्सन है ना कन्फ्लिक्ट से दूर भागना चाहता है। वो कोई भी तकलीफ नहीं देखना चाहता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है उनकी। यस, आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनके एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, डेफिनेटली वो भी जीवन में बहुत प्यार चाहते हैं, बहुत ही एक सच्चा दोस्त या सच्चा प्यार वो चाहेंगे उनके जीवन में। और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मे बी ये आपके पास्ट पर्सन होंगे, पास्ट फ्रेंड होंगे, आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। कोई तो भी ऐसे पर्सन है जो आपके जीवन में फिर से आना चाह रहे हैं और आपके तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होंगे और आपके तरफ आएंगे और आपको भी इस दुनिया से जो आप एक पास्ट की एनर्जी यहाँ पर लेकर बैठे हो, आपको वो ज़रूर उस डिप्रेशन से निकालेंगे। बट यहाँ पर इनका यहाँ पर एक डोर ओपन करने वाले हैं। मैंने कहा ना वो जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। ओके, बट आपका यहाँ पर ना बहुत ही लंबी यहाँ पर आपकी प्रोसेस चल रही है। आपने यहाँ पर ना पहले टॉरस पीपल, आप जल्दी से ना यहाँ पर छोड़ दो, लेट गो कर दो, पास्ट की एनर्जी भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। ये पुराने प्यार को आपको छोड़ देना है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ देकर आप अकेले गिर गए हो। आपके जीवन के आप राजा हो, आपके जीवन के आप एक राइट पर्सन हो, बट यहाँ पर ना एक ऐसे प्यार ने आपको यहाँ पर तकलीफ दी है। थर्ड पर्सन आए थे आपके बीच में या कोई भी आया होगा, वो पर्सन ने आपको इतनी डिफ़िकल्टीज दी कि आप ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो और आप ना थोड़ा प्यार को ब्लॉक कर रहे हो। प्यार चाहते हो पर प्यार को ही जैसे आपने ब्लॉक किया है। ओके, तो यहाँ पर आपको निकलना है, इस एनर्जी से निकलना है टॉरस पीपल आपको, और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस पीपल, आपके जीवन में जो भी प्यार आ रहा है, जो भी पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, वो पर्सन आपके साथ में यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आपको वो लाइफ देख रहा है, आपके साथ में कम्युनिकेशन करेगा और आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक नई जीवन, न्यू स्टार्ट उन्होंने किया है। वो अपने प्यार को ढूंढने के लिए ज़रूर बाहर आएंगे और वो जल्दी ही उनके पास के एनर्जी से वो रिलीफ हो जाएंगे। उनमें वो स्ट्रेंथ है। ओके, तो यहाँ पर वो ज़रूर, यहाँ पर एट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। यस, वो आपको अप्रोच करेंगे या वो अपनी ज़िंदगी से जल्दी बाहर निकलकर वो नया प्यार के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आपको क्यों चाहेंगे टॉरस। तो आपको यहाँ पर टॉरस, प्लीज़ आपको यहाँ पर जल्दी से ही पास्ट की एनर्जी लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। आई लव यू बिकॉज योर सोल इज अ परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल। ओके, ये उनके लिए आपके लिए मैसेज है, वो ये सोच रहे हैं। I love you because you encourage me to be a positive and to see the goal everything. ठीक है, आप उनको जानते होंगे तो मे बी ये पर्सन आपको एक आपके तरफ से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओके, आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वो बाहर निकल रहे हैं उनके पास के लाइफ से, बट यहाँ पर आप ही स्टक हो चुके हो पास के लाइफ में। ओके, पास के एनर्जी में, तो यहाँ पर आपको निकलना है। आई लव यू बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन लाइक यू। ओके, उनको ऐसे लगता है आप जैसा पर्सन उनको कहीं पर नहीं मिलेगा। आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प मी अकम्प्लिश माई गोल। आप शायद उनको ना बहुत सपोर्ट करते हो और I love you because you are the only one fought for me and made me
रियलाइज दैट आई एम वर्थ इट। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैसेजेस आए हैं, आपके पर्सन आपसे क्यों प्यार करते हैं, आपको किस फीलिंग से वो देखते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी आई है। तो सुपर ब्लू मून आपके लिए एक नया प्यार लेकर आ रहा है, न्यू लाइफ लेकर आ रहा है, न्यू लव लेकर आ रहा है, तो उसको वेलकम कीजिए और देखिए कि आप खुद इस लेट गो कर दीजिए। आज तो फुल मून है, यहाँ पर सुपर ब्लू मून है। ओके, तो यहाँ पर ये पास की एनर्जी आपको रिलीज कर देना है, आपको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच टॉरस पीपल।